हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक, जहां पे मिलता है आपको सॉल्यूशन आपकी सभी प्रॉब्लम का। आज हम आपको बताने वाले हैं व्हाट्सएप में जो क्यूआर कोड होता है ना, उसका क्या यूज होता है और हम लोग कैसे अपना क्यूआर कोड किसी और से स्कैन करवा सकते हैं या हम लोग कैसे किसी और का क्यूआर कोड स्कैन करके उनसे बात कर सकते हैं। तो चलो हम आप लोग को अपनी व्हाट्सएप एप्लीकेशन ले चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग किसी का भी क्यूआर कोड स्कैन करके बिना नंबर सेव करे बात कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप खोल लेता हूँ। ये देख लो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप खुल चुका है। अब यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर के पास आपको एक क्यूआर जैसा दिख रहा होगा, इसमें टैप करेंगे तो बेसिकली ये हमारा क्यूआर कोड खुल चुका है। ये कोई भी बंदा अगर अपने फोन से इसको स्कैन करेगा तो उसको मेरे नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली स्कैन करके वो मेरे चैट में पहुंच जाएगा और मुझे मैसेज वो डायरेक्टली ये क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकता है। ये नंबर दे के नंबर सेव करवाने का जो बीच का टाइम होता है उसको काफी ज्यादा बचाती है। तो यहाँ से ये आप कर सकते हो। अगर आपको अपना क्यूआर कोड की जगह किसी और का क्यूआर कोड स्कैन करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सेम ट्रिक उस बंदे को अपनानी पड़ेगी अपना क्यूआर कोड ओपन करने के लिए। यहाँ पे साइड में जो स्कैन का ऑप्शन है वहां पे जाके आपका कैमरा खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा कैमरा खुल गया है। अब उस बंदे का जो क्यूआर कोड होगा वो आप लोग यहाँ से स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करना है। अभी अगर आपके पास क्यूआर कोड नहीं है, ठीक है, मेरे पास तो जैसे कोई दूसरा फोन नहीं है, तो अगर आप लोग चाहो तो कोई गैलरी में आपके पास क्यूआर कोड पड़ा होगा व्हाट्सएप का, जैसे कि मैंने अपना यही वाला क्यूआर कोड गैलरी में सेव कर लिया है, तो मैं उसको स्कैन करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने स्कैन किया और आप नीचे अपने आप नंबर आ गया। अब यहाँ पे ओके करके मैं इस नंबर से चैट कर लूंगा इजिली। तो ये सारे ऑप्शन क्यूआर कोड के हैं और यही क्यूआर कोड का फायदा है कि आप लोग इजिली किसी भी बिना नंबर सेव करे हुए किसी से भी किस तरीके से बात कर लो।